हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी आईक्यू। जनरल साइंस का एक और नया पार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन यानी गति के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ये लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों तक तो पहुँच सके। और जो लोग अब तक हमसे नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। नीचे रेड बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब को दबाएँ और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। तो ठीक है गाइस, चलते आगे। जनरल साइंस का पार्ट 5, इसका मतलब है चार पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये मैंने RRB, ALP, ग्रुप डी, इनके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है जनरल साइंस के लिए, क्योंकि स्पेशली उन्हीं के काम आने वाली है। अभी तो ये काम सभी के आएगी, लेकिन अभी स्पेशली उन्हीं के लिए है। तो आप नीचे जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी के चार पार्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, उनमें मैं अलग अलग टॉपिक डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन यानी गति के बारे में। और नीचे आपको टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टा, इन सब के भी लिंक दिए हुए हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप। और वीडियो देखने के बाद प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मोशन यानी कि गति, ठीक है, ये इस प्रकार की गति। गति आपकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले, ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम। हिंदी में बोले तो कुछ समय अंतराल में वस्तुएं अपनी पोजीशन में बदलाव करती हैं। यानी कि अपनी पोजीशन में अगर कोई वस्तु, कोई बॉडी अगर अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में चेंज करती हैं, तो उसको हम मोशन बोलते हैं, यानी कि गति बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे ये ए, अभी ए पॉइंट पे है कोई बॉडी और थोड़ी देर बाद वो बी पे जा रही है, तो यह क्या है? मोशन है। अब ये ए पे है, थोड़ी देर बाद भी वो बॉडी यहाँ ए पर ही है, ये क्या है? ये मोशन है, कोई स्टेट ऑफ रेस्ट है और स्टेट ऑफ मोशन है। यहाँ पे ये रेस्ट में है, अब ये मोशन में है। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखें, डिस्कस करते हैं। अब ये बॉडी है ए, यहाँ पे ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे बॉडी है, अभी ये यहाँ बी से ए पॉइंट पर चली गई है। तो ये जो बीच की अवस्था होगी ना इसकी, ये जो बीच की इसकी स्टेट होगी, इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन यानी कि गति अवस्था। और ये इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है, यहाँ पे जब ये पहुँच गई है ए पे, तो जहाँ से ये चली थी, जिसके रेस्पेक्ट में, जिसके संदर्भ में हम इसको देख रहे हैं, उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट या फिर संदर्भ बिंदु। देखिए, दोबारा समझिए, ये कोई चीज़ है और ये यहाँ से, मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये अगर 10 किलोमीटर है, तो ये 10 किलोमीटर कहाँ से है? यहाँ से, यानी कि मैं इसके रेस्पेक्ट में, इसके संदर्भ में, इसके रेफरेंस में इसको नोट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, यानी कि संदर्भ बिंदु। तो हम किसी भी चीज़ को जब मेज़र करते हैं, तो उसके लिए एक रेफरेंस तैयार करते हैं पहले। ठीक है, जैसे कि आप एक और अच्छा एग्जाम्पल लीजिए, आपको यहाँ से, आपको अभी आप यहाँ हो, चंडीगढ़ में हो, ठीक है, आप कहाँ हो? चंडीगढ़ में। आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, आपको दिल्ली जाना है चंडीगढ़ से, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है, सपोज़ करो 350 किलोमीटर है, ठीक है। तो दिल्ली पहुंच के हमको पता चला कि हम 350 किलोमीटर दूर आ गए, तो हमें कहाँ से, किसके रेस्पेक्ट में हम 350 किलोमीटर दूर है? चंडीगढ़ के, यानी कि यहाँ पे चंडीगढ़ क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। यदि मैं इसका उल्टा कर दूँ, मैं चंडीगढ़ जाऊँ दिल्ली से और बोलूँ कि हम 350 किलोमीटर फिर से दूर आ गए, लेकिन किससे? दिल्ली से। अब क्या दिल्ली क्या है? अब वो रेफरेंस पॉइंट है, अब वो संदर्भ बिंदु है, यानी कि किसके संदर्भ में, किसके रेफरेंस में हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब एक चीज़ आती है आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि विरामावस्था। विरामावस्था क्या है? जब कोई भी चीज़ रेस्ट में होती है, जब मतलब उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है एक इंच का भी किसी भी तरह का, तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में। जैसे यहाँ ये बॉडी आके अब रुक गई है, अब ये यहाँ स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, अब देखते हैं गति के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले आपका रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि रेखीय गति। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, बिल्कुल सीधी, ठीक है, उसी को हम रेक्टिलिनियर मोशन में चलते हैं। इसका एग्जांपल एक सीधा आपका, किसी भी आप नेशनल हाईवे पर जा रहे हो, आपकी गाड़ी जो है सीधी जा रही है, वो क्या है? वो रेक्टिलिनियर मोशन है, यानी कि रेखीय गति। उसमें कोई बदलाव नहीं आता, वो सीधी चलती रहती है एक दिशा में, रेखीय गति। ठीक है, दूसरा जो टाइप आपका वो है सर्कुलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। एक बात ध्यान रखना आप, सर्कुलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन ये दोनों सेम कतई नहीं होते हैं, इनका डिफरेंस मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। यानी कि वृत्तीय और जो घूर्णन गति है,
ये दोनों सेम नहीं होते हैं, इनमें डिफरेंस होता है। सर्कुलेटरी मोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अर्थ। जैसे अर्थ पृथ्वी जो है घूमती रहती है, वो अपने सूरज के चारों ओर घूमती है ना पृथ्वी, और अपनी एक्सिस पे भी घूमती है। तो एक पृथ्वी ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सर्कुलेटरी रोटेटरी दोनों मोशन होते हैं, यानी कि वृत्य और घूर्णन गति दोनों। अब आप डिफरेंस समझिए, डिफरेंस क्या है सर्कुलेटरी और रोटेटरी में। देखिए सर्कुलर क्या होता है, आपने कोई भी एक धागा लिया, उसमें आपने कोई भी एक कोई बॉल छोटी, कोई भी कंकड़ पत्थर, कोई भी उसमें बांध दिया और आप घुमा रहे हो उसको, ठीक है, वो क्या है सर्कुलेटरी मोशन है। लेकिन जैसे अब आप ना क्या है, आपने पैन के ऊपर आप पैन घुमा रहे हो, यानी पैन पे कोई चीज़ आपने बांध दी है, और उसे आप चीज़ को नहीं घुमा रहे हो, उसको जो पैन पे आपने बांध दिया है और आप पैन को घुमा रहे हो, तो यानी कि उसकी एक्सिस घूम रही है, ठीक है। ये पैन है आपका और ये क्या है, इसके चारों ओर आपने कुछ गोलाई में कोई चीज़ बांध दी है, ठीक है। तो अब आप पैन घुमा रहे हो तो ये भी घूम रही है, लेकिन किसके चारों ओर घूम रही है, ये इस पैन के चारों घूम रही है। ये क्या है, ये एक्सिस आपकी यानी कि अक्ष है, क्या है अक्ष, ठीक है। तो यही डिफरेंस है दोनों में, ये एक एक्सिस के यानी कि एक अक्ष के चारों ओर घूमती है तब रोटेटरी मोशन होता है यानी कि घूर्णन गति, और जब ये बिना किसी एक्सिस के बिना किसी अक्ष के घूमती है तब वो क्या होता है वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन, ठीक है गाइस। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन। जैसे वो दोनों सेम नहीं थे, ये दोनों भी सेम नहीं होते हैं। देखिए दोलन और कंपन गति, ये दोनों भी सेम नहीं होते हैं। इनका सरल सबसे ईजी एग्जाम्पल पेंडुलम है, जिसको हम हिंदी में सरल लोलक बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप कंसिडर करोगे, ये देखिए ये पेंडुलम क्या होता है, ऐसा होता है अभी ये यहाँ पे है, ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे मूव करता है पेंडुलम। इसको क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, ठीक है। ये आगे पीछे से जाता है, इस मोशन क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। तो इस मोशन को ही हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं, यानी कि टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन एक ही चीज़ है, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन तो ये दोलन गति तो ये हो गई, अब कंपन गति क्या होता है, जब ये जो आपकी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, मतलब इतनी सी हो जाए, तो इसमें वाइब्रेटरी मोशन यानी कंपन गति होती है। आपने देखा आपको मोबाइल वाइब्रेट करता है तो बहुत ही ज़्यादा कम जो है डिस्प्लेस होता है वो अपनी जगह से, उसी को वाइब्रेशन। जब ये दूरी जो है, ये दूरी बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तब ऑसिलेटरी मोशन क्या बन जाता है, वाइब्रेटरी यानी कि दोलन गति कंपन गति बन जाती है, जब ये जो दूरी है आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ आया होगा। अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम ओ सॉरी क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और बहुत ही कॉमन ये क्वेश्चन है। इज़ एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम कैन बी प्रेजेंट इन स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट बोथ। क्या बोल रहे हैं, क्या एक वस्तु एक समय पर विराम व गति दोनों अवस्थाओं में हो सकती है, यानी कि कोई एक बॉडी कोई वस्तु एक ही समय पे स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन यानी रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकती है, कोई वस्तु विराम और गति दोनों में हो सकती है एक ही समय पे। यस नो कैन नॉट डिटरमाइन मे बी, मतलब हो भी सकता है हम नहीं बता सकते, नहीं हाँ, क्या उत्तर होगा इसका। तो आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने सोचा होगा, तो इसका आंसर आपका यस हो सकती है, कोई बॉडी रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकती है एक ही समय पे। एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये देखिए ये आपके पास में ये कोई कार है, इसमें दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये आपका कोई पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है आपका, ठीक है। अब मैं इस पेड़ के संदर्भ में अगर इन दो व्यक्ति को देखूं तो ये दोनों मोशन में, क्योंकि गाड़ी चल रही है इस टाइम, ठीक है। अगर रिफरेंस पॉइंट संदर्भ बिंदु में ये लूँ तो ये दोनों मोशन में है, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट देखते हैं, अगर मैं इस व्यक्ति को इस व्यक्ति के रेफरेंस में देखूँ या इस व्यक्ति को इसके रेफरेंस में देखूँ तो ये दोनों एक दूसरे में, गाड़ी चल रही है ये तो नहीं, कार चल रही है ये दोनों तो नहीं चल रहे हैं ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के रेफरेंस में, एक दूसरे के संदर्भ में, ये दोनों रेस्ट में है, ये दोनों मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, ठीक है। तो इस टाइम ये दोनों, अब कोई चीज़ रेस्ट और मोशन दोनों में कब हो सकती है, जब हम चेंज कर दें क्या रिफरेंस पॉइंट, यानी कि संदर्भ बिंदु अगर हम चेंज कर दें तो अलग अलग संदर्भ बिंदु से देखें तो एक ही वस्तु रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकती है, यस, ठीक है। चलिए अब
अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की मोशन में जो यूज़ होते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस, दूरी क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल समझिए, ये आपके पास इनिशियल पॉइंट है ए, ठीक है, आपको ए से सी पे जाना है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप ऐसे बी पे जाओ फिर बी से सी पे जाओ, या आप पहले ई पे जाओ डी पे जाओ फिर सी पे जाओ। ठीक है, सपोज़ करिए 5 किलोमीटर चले, या आप 3 किलोमीटर चले, या आप 2 किलोमीटर चले, या पे 6 किलोमीटर, यहाँ पे 9 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ, यानी कि जितना भी आप चले हैं ना वो सब डिस्टेंस होती है। ठीक है, ऐसा यूनिट होती है इसकी मीटर, और एक अदिश राशि होती है यानी स्केलर क्वांटिटी होती है। अब देखिए डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, यहाँ से मैं अगर ऐसे मैं गया तो मेरे पास मैं कितना चला, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यानी कि मैं चला 8 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से मैं जाऊँ तो 6, 2, 8 किलोमीटर, और 8 और 9, 17 किलोमीटर। ठीक है, और फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, मेरी सी है, मैं फाइनली क्या पहुंच रहा हूँ, सी पे पहुंच रहा हूँ। तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, यानी कि जहाँ से मैं चला था, ये फाइनल पॉइंट है जहाँ में जो मेरी डेस्टिनेशन, जहाँ मैं लास्ट में जाकर पहुँचा हूँ। ठीक है, तो यहाँ चला मैं 8 किलोमीटर, यहाँ 17 किलोमीटर। तो डिस्टेंस वो होती है आपने जितना ट्रैवल किया इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, जितनी डिस्टेंस आपने ट्रैवल की वो होती है आपकी डिस्टेंस, यानी कि दूरी। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, यानी कि दो बिंदुओं के बीच में सबसे कम दूरी, न्यूनतम दूरी जो होती है दो बिंदुओं के बीच में, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि सदिश राशि होती है एक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस में क्या था, आप ऐसे गए ऐसे गए, यहाँ पे हमारी डिस्टेंस कितनी आई थी, 8 किलोमीटर आई थी, और ये कितनी आई थी, ये आई थी 17 किलोमीटर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये इससे कम है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, जी नहीं, हमें क्या देखना है, ए और सी के बीच में सबसे कम दूरी कौन सी है, तो ये सबसे कम दूरी होगी ना डायरेक्ट, तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में सबसे कम दूरी, न्यूनतम दूरी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर होती है, लेकिन ये जो एक क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है, ये एक सदिश राशि होती है। अब देख लेते हैं इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ये देखिए डिस्टेंस, इधर डिस्प्लेसमेंट, ये नो डायरेक्शन, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये दिशा नहीं होती है इसमें कोई भी, जबकि डिस्प्लेसमेंट में आपकी डायरेक्शन यानी दिशा होती है। ये एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि सदिश राशि। डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ जितना आपने ट्रैवल किया है, यानी कि एक्चुअल पाथ जितना आपने कवर किया है, ट्रैवल किया है, चला है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, ये क्या होती है, न्यूनतम दूरी, किसी भी दो बिंदुओं के दो पॉइंट के बीच में सबसे कम दूरी जो होती है, न्यूनतम दूरी यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा पॉजिटिव होगी यानी कि धनात्मक होगी, ये कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है यानी विस्थापन जो है आपका, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और जीरो भी हो सकता है। ये अभी मैं डिस्कस करके बताऊँगा कैसे कैसे किस कंडीशन में हो सकता है। ये क्या, पांचवा पॉइंट आपका एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, और इसमें सिर्फ एक सिंगल ही वैल्यू होती है, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था डिस्टेंस में, ऊपर एक जगह 8 किलोमीटर आया था, एक जगह 17 किलोमीटर आया था, तो डिस्टेंस एक से ज़्यादा हो सकती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की एक ही सिंगल वैल्यू हो, क्योंकि जो सबसे कम वैल्यू होगी ना दो पॉइंट के बीच में वही डिस्प्लेसमेंट होगा, वही विस्थापन होगा, तो ये कभी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये सिंगल ही होती है, ये एक से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, अब आपकी बात आती है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब और जीरो कब। देखिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है, जो है ए जो है बी, एक पॉइंट और ले लेते हैं बीच में सी। ठीक है, ए क्या गया, पहले सी पे गया, ये 10 किलोमीटर चला, फिर बी से सी से बी पे गया, यहाँ पे 5 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वापस ए पे आया, सॉरी सी पे आया, और फिर ए पे आया। अब ए यहाँ से चला था और यहीं पे आ गया, तो इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, न्यूनतम दूरी कितनी हुई इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट से, मतलब जहाँ से चला था जहाँ पहुँचा उसके बीच में, ए से चला था और ए पे ही आ गया, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। ठीक है, ये तो हो गया आपकी जीरो की बात। अब बात करते हैं पॉजिटिव कब होगा, इसका सिंपल सा एग्जांपल है, कोई बॉडी ए से चली थी वो बी पे पहुंच गई, ये 10 और 5 15 किलोमीटर इसने चला, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इन दो पॉइंट के बीच में, तो ये पॉजिटिव आ गया। अब बात करते हैं नेगेटिव कब होगा, देखिए नेगेटिव का अलग से समझते हैं। नेगेटिव होगा तब
एक कोई बॉडी आपकी ए पॉइंट से चली वो बी तक गई है, और ये पॉइंट है आपका कोई सी, ठीक है, ये पहले बी पे गई, फिर वापस ए पे आई, फिर सी पे गई। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, यानी कि दिशा होती है, विस्थापन में दिशा होती है। तो ये यहाँ से ए से बी गई 10 किलोमीटर, और फिर वापस 10 किलोमीटर, इधर चल गई फिर 5 किलोमीटर। तो जो यहाँ आपका आंसर आएगा ना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -5 होगा, क्योंकि हम क्या डायरेक्शन लेते हैं, तो इस साइड हम पॉजिटिव ले रहे हैं और इस साइड नेगेटिव। ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है, क्योंकि आप क्या लोगे 10, और ये लोगे -10, और ये -5, तो -15 माइनस का, तो -5 आ जाएगा ये आपका, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, इस साइड पॉजिटिव होगा, इस साइड नेगेटिव होगा, ठीक है। अब आपके पास में एक ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाए, वो केस कब होगा, ये लिख मैंने लिखा है, व्हेन डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बॉडी इज द शॉर्टेस्ट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, इन दैट केस डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। देखिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, लेकिन मैं हिंदी में बता देता हूँ, जब डिस्टेंस जो ए से लेके बी तक आपने कवर की है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, जैसे आप ए से बी तक गए हैं, ये 10 किलोमीटर है, और ए से बी में अब ऐसी कोई भी पाथ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि 10 से कम किलोमीटर में आप ए से बी पर पहुंच सको, तो इस केस में क्या होगा, जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल की है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे समय, ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, अधिस राशि स्केलर क्वांटिटी। इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की कोशिश ना मत करना आप, स्केलर क्वांटिटी होती है यानी कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम नहीं होती है, ये बात ध्यान रखनी है। वेलोसिटी क्या होती है आप देखिए, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन बटे समय, ऐसा यूनिट वही होगी मीटर पर सेकंड, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, और जो आपकी स्पीड थी वो क्या थी, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि वो अदिश राशि थी या सदिश राशि है। इसमें डिस्टेंस, इसमें क्या होती है डायरेक्शन होती है, इसमें डायरेक्शन होती है, जबकि स्पीड में आपकी डायरेक्शन नहीं होती है। अब देखते हैं आपकी यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि समान चाल क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर समान चाल या समान वेग, यहाँ पे हम वेलोसिटी भी देख लेंगे, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, यानी कि समान समय में समान दूरी। देखिए एक एग्जांपल लिया मैंने, ए से डी पर कोई गया है, तो ए से बी पर पहले गए 1 घंटे में 20 किलोमीटर, फिर बी से सी 1 घंटे में 20 किलोमीटर, सी से डी 1 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी कि इक्वल टाइम है, समान समय है और समान ही दूरी तय की है, तो ये कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी इस केस में होती है। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, या समान चाल और वेग। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, यानी कि समान समय में असमान दूरी। देखिए एक ए से बी में 1 घंटे में 10 किलोमीटर, बी से सी में 1 घंटे में 5 किलोमीटर, सी से डी में 1 घंटे में 7 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि जो आपका टाइम है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो इक्वल ट्रेवल नहीं कर रहे हो आप, समान दूरी तय नहीं कर रहे हो, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट चीज, इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी, यानी कि तात्कालिक चाल या वेग। स्पीड वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम, यानी कि चाल वेग किसी एक खास समय पर, आप कभी भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नोट करोगे कि स्पीड या वेलोसिटी क्या है, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, यानी कि तात्कालिक चाल या तात्कालिक वेग, ठीक है। अब यहाँ आपके जैसे आप बाइक पर जा रहे हो, आपने बाइक पर जो है स्पीड नोट की, अभी आप चल रहे हो कि 85 किलोमीटर पर आवर, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वो उसकी तात्कालिक चाल है या तात्कालिक वेग है, ठीक है, वो एवरेज नहीं है, ठीक है। एक होती है एवरेज, एवरेज होती है आप टोटल डिस्टेंस को और टोटल उसको डिवाइड कर लेते हो, टोटल टाइम को, ठीक है। अब एक चीज़ आती है आपके यहाँ की स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर क्या होता है, जो आपकी बाइक में आपकी गाड़ी में जो आपको स्पीड दिखाता है वो उसको हम स्पीडोमीटर बोलते हैं, वो क्या दिखाता है आपको, वो आपको स्पीड बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, ठीक है। और एक होता है ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या बताता है आपको, ये बताता है आपको डिस्टेंस, ठीक है, ओके। एवरेज मैंने इसमें नहीं लिखा है, एवरेज आपको पता ही होगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये भी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। ये आज का लेक्चर मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आज को इसको यहीं खत्म करते हैं। अगले में हम फिर अगले लेक्चर में हम मोशन ही पढ़ेंगे, उसमें आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और वगैरह और ग्राफ्स वगैरह जो मैं और इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह वो बतानी रह गई है, वो मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो तो नोटिफिकेशन पहुँच जाए उसके आप तक।
वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। और अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन जरूर ऑन कर ले, जो घंटी आती है प्यारी सी साइड में उसको घंटी को ऑन रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंचती है तो उसी से पहुंचते हैं। ओके, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक क्लिप।